बेस्या थोड़ी हम लोग कलाकार हैं, नृत्य कला कहीं बंद है, आप ही बताइए। तो हम जाकर बाहर बेस्या वृत्ति नहीं करेंगे, हम गांव की हैं, गांव में कला करते हैं, करते आएंगे। तो ये पुश्तैनी चीज अभी तक बरकरार है। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग मनोरंजन करके शादी विवाह में अपना पेट अपना जीविका चलाते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते लिखाते हैं। हम लोगों को जो देह व्यापार का और वेश्यावृत्ति का आरोप लग रहा है और फोन लगा रहा है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है सर, कोई गाँव नहीं लगा रहा है, हमारा अपना ही लगा रहा है। अच्छा, आपके समाज से जुड़ा हुआ जो इन्हीं में से थे? जी इन्हीं में से। अच्छा। आज उनकी बहन गया में करती है। चलिए हम थोड़ा सा रोकते हैं पिंकी को। सर देखिए, वो रंगदारी लेते थे, पहले रंगदारी लेते थे, अब रंगदारी देना हम लोग छोड़ दिए हैं। इसी की वजह से हमारा अपना ही, हमारा प्रधान जो है, हमारे मौसी का लड़का है, हमारे में से है, वो अपना मुद्दा खड़ा कर दिया हमारे रोजगार को लेकर, हीरो का बंद कर दिया जाए, ये लोग रंगदारी नहीं दे रही हैं और 2-4 लाख ऐसे रंगदारी। पिंकी एक चीज बताओ, रंगदारी का प्रमाण तो कोई होगा नहीं, रंगदारी ऐसे मांगा होगा? रंगदारी का प्रमाण है, वो वीडियो है हम लोग के पास। अच्छा। जो दरवाजे पे जाके रंगदारी हो रही है वो भी है सर। हम लोग का वो दे दे जितनी हम नर्तकियां आपको नृत्य कला दिखा रहे हैं, हमारी कोई नंगी तस्वीर दिखा दे। हाँ रही सर, ये पूछा जा रहा है, हमारे अपने ही लोग पूछ रहे हैं, जैसे प्रधान जी की घर की औरतें पूछ रही हैं, वो भी इसी में से है, वो भी नंद कोई ननद वेश्यावृत्ति कर रही है, नृत्य कला से जुड़ी, वो भी इसी में से है। वो हम लोगों से हमारे बच्चों का बाप पूछ रही है सर। तो तवायफ के बारे में तो आप जानते होंगे, तवायफ के बच्चे कैसे होते होंगे ये भी आपको जानकारी है। बड़े लोगों से हम लोग एक लोगों से अपना रिलेशनशिप बना के अपनी जिंदगी काट लेते हैं सर। लोग डांस करते हैं, कुछ आर्टिस्ट डांस करती हैं, हम लोग डांस और गाना दोनों करते हैं। हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है अब हमारे कला के लिए। पिंकी देखो, यह सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता था, अब आपने चर्चा किया है। पिंकी ने यह कहा कि एक लोगों से हम संबंध बनाते हैं और उसी से जीवन काट लेते हैं, तो क्या बेटा उनसे बेटा कह सकता हूँ? कोई तो दिक्कत नहीं है। चलो यह कि पवित्र हम लोगों का जो हो रहा है इंटरव्यू, तो क्या इसमें एक से संबंध बनाते हैं, उसी के साथ संबंध बना के रह जाते हैं और उसी से बच्चे भी होते हैं, तो क्या शादी विवाह भी होता है कि ऐसे ही? हम 6 बहनें हैं, हमारी माँ वो बैठी हैं, 6 बहनों में चार बहनों की शादी हम अपने कमाई से की है। हमारा बहनों भी फौजी है, हमारा बहनों एक इंजीनियर है, वो अपना भाई परिवार चला रहे, अच्छे पोस्ट पैसे, तिलक जैसे हाथ में चलता वैसे हम भी तिलक दे देकर करते हैं। और जो इस लाइन में नृत्य कला से जुड़ती है वो किसी बड़े लोगों से संबंध बना के अपना जिंदगी काट लेती है। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारी बिटिया बीएड कर रही है, बेटा इंटर कर रहा है, तो ये हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे किसी पोस्ट पर हो जाए तो फिर हमारा आप रूपी कला बंद हो जाएगा, ये कला भी आप रूपी बंद हो जाएगा। तो ये लोग हमको जो जलील कर रहे हैं सर। पिंकी थोड़ा सा और रुकूंगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या मतलब कि जो लोग जिनके बच्चे नौकरी करने लगे, क्या वो भी काम में जुड़े रहते हैं? नहीं, हट जाते हैं। जो कामयाब हो जाते हैं वो अब हट जाते, वो नहीं चाहते हैं। मतलब उनकी मम्मी हमारी 8 घंटा ठंडे में ठुठुर के, आप जाड़े में सूटर और मोजा और जैकेट पहन के बैठेंगे, हम पतली साड़ी पहन के पूरा पब्लिक जो है समारोह में, शादी में हम जाएंगे तो पतली साड़ी पहनकर डांस करेंगे और अपना कला का प्रदर्शन करेंगे।
और जो लोग को तकलीफ होती है वो लोग बन जाते हैं, जो लोग अभी बच्चे हैं जो बेसहारा हैं वो लोग अभी इसमें मतलब अंदर से नहीं है करने की इच्छा, मजबूरी है। मजबूरी भी नहीं है, शौक भी है। शौक अच्छा, कला है। कला तो शौक है, कला मजबूरी तो नहीं है, चाहती है कला चलता रहे। हाँ, कला जो है, मगर आज के जो बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई के आगे भागते हैं, अपने सोसाइटी के आगे भागते हैं। जो ये बेस्या 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 पूरा गांव को बेस्या बना दिया है, मुश्किल से 7 लोग इधर हैं, 4-5 लोग उधर हैं। हम लोगों से रंगदारी मांगने के लिए ये सब किया गया है। आगले लग के मर Yeah.